पटना के चर्चित रेजिडेंट सिनेमा के मालिक सुमन सिन्हा ने कला के क्षेत्र में एक अनोखी पहल की। आज रेजिडेंट सिनेमा के प्रांगण में हाउस ऑफ वैरायटी का भव्य उद्घाटन किया गया। इस मौके पर हिंदी सिनेमा के चर्चित कलाकार सौरभ शुक्ला, विनीत कुमार, रॉबिन दास जैसे अनुभवी पेशेवर कलाकार मौजूद रहे। वहीं हाउस ऑफ वैरायटी के बारे में कहा जाता है कि यह सुमन सिन्हा के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने चाचा शिवेंद्र सिंह से प्रेरित होकर इसका निर्माण करवाया है, जिसमें एक अत्याधुनिक थिएटर के साथ साथ एक अत्याधुनिक स्टूडियो का निर्माण करवाया गया है, जहां अब रंग कर्मियों के लिए एक नए वातावरण के साथ अत्याधुनिक साजो सामान से लैस एक रंगमंच मिलेगा, जहां देश विदेश से चर्चित कलाकार पटना आएंगे और बिहार के कलाकारों को प्रशिक्षण देंगे। नीरज सर, सर जी नीरज पूछिए ना सर, पटना में हाउस ऑफ वैरायटी की शुरुआत हो रही है। और अच्छा, शुरू करिए फिर से। पटना में हाउस ऑफ वैरायटी की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ मकसद है कि जो थिएटर कलाकार है किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसी मकसद को लेकर के आप यहाँ पहुँचे? एक मिनट साइलेंट प्लीज। हाउस ऑफ वैरायटी पटना में एक स्पेस बना है जो कि रीजेंट थिएटर, आपको मालूम ही है रीजेंट सिनेमा हॉल, यहाँ पर जहाँ सिनेमा दिखाया जाता है। अभी सलार फिल्म चल रही है यहाँ पर, है ना, डंकी भी यहाँ पर दिखाई जाएगी या दिखा चुके हैं शायद। तो उसके बगल में ये हाउस ऑफ वैरायटी है, जहाँ पर सबसे कमाल की बात यह, देखिए कल्चर जो होता है, हम लोग जब कल्चर की बात करते हैं तो खाने से दूर नहीं रह सकते, है ना, खान पान पे ही कल्चर होता है दोस्त, बिना भूखे पेट जो है वो कोई कल्चर नहीं होता है। तो नीचे पप्पू है, पप्पू चाय वाला, है ना, भोजन का इंतजाम है, ऊपर आएंगे रॉबिन दा ने यहाँ ऑडिटोरियम बनाया है, इतना खूबसूरत ऑडिटोरियम है, जैसा आप लोग देख सुन चुके हैं कि ऑडिटोरियम जो है वो एक सिनेमा हॉल भी है और परफॉर्मेंस भी वहाँ पर हो सकती है। अब जहाँ हम लोग इस वक्त बैठे हैं, यहाँ कल इससे बड़ा ऑडिटोरियम बनने वाला है, है ना। इसका जेंडर भी एक ही जैसा होता है, जो वो फीमेल मेल में फर्क नहीं होता है कि नहीं नहीं, उनके अधिकार, फीमेल जो कलाकार हैं उनके अधिकार या उनके काम करने का तरीका अलग होता है, ऐसा नहीं है, दे आर फीमेल, है ना, दैट इज बाय डिफॉल्ट। सो मैं क्या कहना चाहूंगा उनके, मतलब खान के बारे में कि तो कुछ कह नहीं सकता, मैं ये भी नहीं कह सकता कि फेमिनिज्म शुरू करो आर्ट में, क्योंकि आर्ट में तो वैसे ही फेमिनिज्म होता है, क्योंकि आजकल वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है, ये मैं भी ये पूछना चाहता हूं। अरे तो बहुत अच्छी बात है एक्टिव होना, तो जीवन जो है वो तो एक्टिव होने का नाम ही जीवन है। सर मेरा एक सवाल है सर, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू फॉर द थिएटर टू ग्रो विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट? आई थिंक ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द ग्रांट्स, ऐसा बहुत सारे कंट्रीज में है जहां सिनेमा भी ग्रांटेड है, जो गवर्नमेंट ग्रांट पे चलता है, चलता है ठीक है, लेकिन जहां जहां सिनेमा स्पेशली जो अपनी इंडस्ट्री बना पाया है तो उसके पास फिर अधिकार ज्यादा होते हैं, उसके उसमें उसका डिसीजन खुद का होता है। भाई अगर आप स्टेट के अंडर में करेंगे तो स्टेट की एक पॉलिसी होगी, स्टेट डिसाइड करेगा कैसा सिनेमा बनना चाहिए, किस तरह की बातें होनी चाहिए, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। लेकिन जब वो फ्री मार्केट में आ जाता है, जब वो खुद में सक्षम हो जाता है, तो फिर उसके पास अधिकार होता है कि भाई मैं इस तरह की कहानी भी कहना चाहता हूं और मुझे अधिकार। और हम लोग प्रजातंत्र हैं, हम लोग लोकतंत्र हैं, तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा स्टेट ओन्ड रूल तो है नहीं हमारे यहाँ। तो थिएटर का इसलिए मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है इंडिपेंडेंट होना, और उसका इंडिपेंडेंट होने का सरकार की ग्रांट से क्या होता। देखिए सरकार ने ग्रांट दी, बहुत समय तक दी है, अभी भी देती है, लेकिन फायदा नुकसान क्या होता है कि भाई कागजों पे नाटक होने लगते हैं, कागजों पे प्रोडक्शन होने लगते हैं, एक फोटोग्राफ खींच के दिखा दिया जाता है कि साहब ये प्रोडक्शन हुआ, अब आप ग्रांट दे दीजिए। भाई सरकार तो आके चेक नहीं करती है कि क्या क्वालिटी है या क्या वो है, लेकिन जब यही स्वतंत्र हो जाएगा, जब लोग थिएटर में आके टिकट देंगे और खरीदेंगे, तब आप इसको एक इंडिपेंडेंट आर्ट के तौर पे देख पाएंगे, ये मेरा मानना है।
खूबसूरती को निखारने के लिए पटना के अनीसाबाद खोजाई इमली में डेनियल एंड गैल्विन का खुला सलून एंड स्पा, जहां महिलाओं और पुरुषों में काफी चर्चित है, यहां सेविंग, हेयर कटिंग और स्क्रीन संबंधित सभी चीजों के सौंदर्य को निखारा जाता है, तो एक बार अवश्य आएं डेनियल एंड गैल्विन सलून स्पा।